पाशा कि आप उनको इतनी बुरी तरह से हराए और हमारे प्रत्याशी सुधाकर सिंह को इतने वोटों से जिताए कि सभी जो भी नेता हो वो पूरे प्रदेश में दहल जाए कि कभी सत्ता परिवर्तन नहीं करना है। उन्होंने जो घोषी का जो यहाँ के भाजपा से प्रत्याशी हैं, उन्होंने घोषी की जनता का जनमत का जो अपमान किया है उनका बदला आज हम सबको लेना है। यहाँ पर जो भी घोषी के लोग हैं उनके हाथ में ये बाजी है कि वो बता सके पूरे प्रदेश को कि कोई भी नेता जो जिसका जनता चुनकर भेजती है वो अपने स्वार्थ के लिए दल बदल करता है तो उसकी क्या दशा होती है। मैं आप सबसे यही अपील करने आई हूँ कि आज उनको ये बता देना है 5 तारीख को जो हम सभी को आप सभी को साइकिल के निशान पर जो वोट देना है 5 तारीख को इतना साइकिल का बटन दबाइए कि सभी विपक्षियों की हालत खस्ता हो जाए और वो दल बदल करने के बारे में कभी दोबारा न सोचे, क्योंकि उनका इतिहास रहा है कि वो हमेशा दल बदल करते रहते हैं। जिसकी सत्ता आने वाली रहती है मंत्री पद पाने के लालच में वो हमेशा दल बदल करके चले जाते हैं। घोसी की जनता का क्या दोष था, उन्होंने चुना था उन्हें बड़े ही अभिमान से स्वाभिमान से उन्हें चुनकर विधानसभा में अपनी बात रखने के लिए भेजा था। हम लोगों की जनता ने हमारे अपना बात रखने के लिए हमें विधानसभाओं में भेजा है, हम अपनी बात रखते हैं वहाँ, अपनी जनता की बात रखते हैं। उन्हें भी भेजा गया था घोसी की जनता की बात रखने के लिए। क्या उनको दिक्कत आ गई, क्या परेशानी हो गई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस से घोसी को वापस से चुनाव के मैदान में झोंक दिया। आज आप सबके हाथ में ये बाजी है, उनको ऐसा सबक सिखाएं और सुधाकर सिंह जी को इतने वोटों से आप लोग जिताएं कि दोबारा कोई भी प्रत्याशी दल बदल के बारे में कभी भी ना सोचे। इसी अपील के साथ मैं आप सब से ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी 5 तारीख को डट कर वोट करें, इन बेईमानों को भरोसा ना करें और सावधान रहें इन बेईमानों से। आप 5 तारीख को अपना वोट, हर वोट अपने बूथ तक पहुंचाएं और वो वोट होने के बाद अपने अपने बक्सों की रक्षा भी करें, तभी हम ये चुनाव विरोधियों से जीत सकते हैं। और मैं आप सबसे यही अपील करने आई हूँ कि 5 तारीख को सभी लोग साइकिल के निशान पर वोट देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को, माननीय अखिलेश जी के हाथों को और मजबूत करें, उनकी आवाज विधानसभा में और प्रखर करें। जिस तरह से आज वो विधानसभा में लड़ते हैं पूरे प्रदेश में, हम जवाब उनसे मांगते हैं कि कितने रोजगार आपने दे, कितने आपने सरकारी नौकरियां दे दी प्रदेश में, आपने कितनी सरकारी नौकरियां दे दी, तो उनका जवाब आता है कि हमने इतने रोजगार मेले लगा दिए। अब आप ही बताएं कि सरकारी नौकरी और रोजगारों का क्या संबंध है, वो मेले लगा रहे हैं, हमें नौकरियां चाहिए। आज हमारे युवा, उनको पता नहीं है कि उनके कहां भविष्य जा रहा है। इसीलिए मैं आप सबसे ये अपील करती हूँ कि आप सभी 5 तारीख को साइकिल के निशान पर अपना अपना मत देकर सुधाकर सिंह जी को जिताएं और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा सरोज जी, मेहरनगर की जो आप विधायक हैं, उनके विचारों से आपने रूबरू हुआ, अवगत हुआ, उनका विचार आप सुन रहे थे, चले गए। आपके बीच नरेश उत्तम पटेल जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे जा रहे थे, किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, बहुत जल्द आपके बीच में आने वाले हैं।